जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे क्लास 9th का प्रथम अध्याय जो भारत का स्थिति एवं विस्तार है। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 9 का देखना है स्थिति एवं विस्तार। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 देखना है। और उसमें क्या है, इसमें हमको देखना है कि भारत का स्थिति और उनके विस्तार, स्थिति एवं उनके विस्तार को देखना है। ठीक है, भारत एवं उनकी विस्तार को देखने के लिए, स्थिति और उसके विस्तार को देखने के लिए हमें जानना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है। अक्षांश और देशांतर को हमें जानना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है हम भारत के स्थिति और विस्तार को जो है समझ पाएंगे। ठीक है, और यह टॉपिक जो है, जो आज का जो यह टॉपिक है वह किसी भी कंपरेटिव एग्जाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप सब जो है, एक क्लास 9th के स्टूडेंट हो या अन्य कंपरेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, वो सब के लिए ये जो है यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमको पहले जानना है अक्षांश क्या है। क्या जानना पड़ेगा हमें जानना है पहले अक्षांश क्या है। क्या जानना है, अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा, क्या चीज, अक्षांश रेखा। क्या जानना है हमें पहले अक्षांश रेखा जानना है। अक्षांश रेखा का मतलब होता है क्या, पहले बात तो ये जान लीजिए, ये रहा हमारा पृथ्वी, क्या रहा, पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना। क्या कह सकते इसको, हम ये कह सकते हैं पृथ्वी का ये छोटा सा क्या है, ये पृथ्वी का छोटा सा नमूना है जिसे हम ग्लोब कहा जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है ना, पृथ्वी के नमूना किसे कहा जाता है, पृथ्वी का नमूना किसे कहा जाता है, पृथ्वी का नमूना, क्या चीज, पृथ्वी का नमूना किसे कहा जाता है, नमूना किसे कहा जाता है, पृथ्वी के नमूना कहा जाता है ग्लोब को, किसे कहा जाता है, पृथ्वी का नमूना किसे कहा जाता है, पृथ्वी का नमूना कहा जाता है ग्लोब को कहा जाता है। पृथ्वी का नमूना किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का नमूना कहा जाता है ग्लोब को, किसे कहा जाता है ग्लोब। ये क्या है, ये है ग्लोब, ये क्या है ग्लोब। अब यहाँ पे देखिए कि ग्लोब पे ना एक 0° लाइन खींची गई है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं दिखता है, एक मिनट रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं 0°, ये जो रेखा देख रहे हैं ना आप, ये रेखा, ये है 0° अक्षांश, क्या है ये 0° रेखा। 0° रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा बोला जाता है इसको, या भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य, इसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा को ही क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, जो 0° पे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, अब देखिए, अब कहता है कि भूमध्य रेखा ये हो गया, और ऊपर से एक बात और देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो उत्तरी ध्रुव को, ये जो है ना उत्तरी ध्रुव को जो दक्षिणी ध्रुव से मिलाया है, ये डॉट डॉट लाइन जो आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रधान अक्ष, अर्थात 0° देशांतर, इसको 0° देशांतर बोलते हैं, और 0° देशांतर को हम GMT भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 0° देशांतर को हम क्या बोलते हैं, GMT भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और इसको हम जो है GMT बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे हम GMT रेखा बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब देखिए इसके समांतर जो खींची गई रेखा है, ये जो खींची गई रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं ऐसे कर जो घुमा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, मोटा मोटी तो पे समझ गए। एक बात और देखिए, तो समझा यहाँ तक, समझ आया ना पूरा, किसे हम, पृथ्वी का नमूना किसे कहा जाता है, पृथ्वी का नमूना किसे कहा जाता है, पृथ्वी का नमूना ग्लोब को कहा जाता है। एक बात और देखिए, चलिए दूसरा देखते हैं इसमें और क्या है।
अब यहां पे समझ क्या आ जाएगा, यहां पे समझ क्या आने वाला है कि पृथ्वी का जो अक्षांश है उसका जो कुल अक्षांश रेखा क्या है, तो कुल अक्षांश रेखा कितना हो जाएगा। तो यहां देखिए, ये रहा आपका पृथ्वी, ठीक है, या ग्लोब कह सकते हैं। 0 डिग्री को कहते हैं हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसी के समानांतर कई सारी रेखाएं खींची जाती है, खींची हुई होती है, ठीक है। ये तो गोल होता है ना, कई सारी से खींची गई होती है। ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया क्या चीज मेरा नॉर्थ पोल, या ये हो गया साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण। इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, पूर्वी और पश्चिमी। जस्ट इसके नीचे में भी एक खींची होती, जितना ऊपर खींचा होता है ना उतना ही नीचा भी खींची होती है। जैसे आप इस फोटो में आप देख सकते हैं, इस फोटो में ना आप देख सकते हैं, तो ठीक है। देखिए इस फोटो में हम देखते हैं, देखिए इस प्रकार से ना, इस प्रकार से ना, अब देखिए इसी प्रकार से 0 डिग्री एक यहाँ भी खींची होती है। इसको हम अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये भी 0 डिग्री हो गया आपका। इसी के समानांतर जो है, अति समांतर कहते हैं, इसी के अनुसार जो है खींचा गया है एक अल और होते हैं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या आता है, इसमें ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ये देखिए ट्विस्ट क्या कहता है। कहता है कि अक्षांश क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कि विषुवत रेखा, तो पहले हम समझ गए कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची होती है, विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच खींची होती है। उसी के समानांतर जो भी रेखाएं खींची गई होती, चाहे उत्तरी ध्रुव के हो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में, अर्थात ये पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है इसको हम बोलते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा। इसके उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं, इसके उत्तरी भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो नीचा वाला है इसको बोलते हैं हम दक्षिण गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध। मतलब कि गोला का आधा, गोला का आधा बोलते हैं, ठीक है। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध जो है इस गोलार्ध में अधिकांश जो है ना, इस गोलार्ध में अधिकांश स्थलीय भाग आते हैं। कौन भाग है इसमें, स्थलीय भाग ज्यादा आते हैं, स्थल भाग ज्यादा आते हैं। जबकि दक्षिण में कौन भाग आते हैं ज्यादा, इसमें जलीय भाग ज्यादा आता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए कहता है कि अक्षांश रेखा क्या होता है, पृथ्वी के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विषुवत रेखा से कोणिक दूरी जो होता है, कोणिक दूरी जो होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है अक्षांश। और वहां से जो रेखा खींची गई होती है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। और देखिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो खाली जगह बचता है, इस खाली जगह को कहा जाता है कटिबंध। इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कटिबंध। ये जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है इसे बोला जाता है कटिबंध। क्या बोला जाता है इसको, इसे बोला जाता है कटिबंध। अंग्रेजी में बोला जाता है जोन, कटिबंध या तो जोन। इसे दो भाग में, मतलब दो नाम इसको दिया गया है, एक कटिबंध उसी का नाम क्या होता है, जोन हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि अब यहाँ पे देखिए कि अक्षांश का, अक्षांश से होता क्या है, क्या चीज अक्षांश से क्या होने वाला है। जो अक्षांश है ना, जो अक्षांश है ना, ये अक्षांश दिखाता क्या है, ये अक्षांश किसको दिखाता है, तो अक्षांश रेखा से हमें ये पता चल जाता है, अक्षांश जो है इससे हमें जो है ना किसी देश के अलग अलग भागों में, देश के अलग अलग भागों में तापमान का पता चलता है, तापमान का पता चलता है, और साथ ही साथ जलवायु का पता चलता है। इसका पता चलता है तापमान और जलवायु का पता लगाना हो तो हम अक्षांश का प्रयोग करते हैं, और अक्षांश को जानने वाले यंत्र को एस्ट्रोलोब कहते हैं। अक्षांश को जानने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलोब बोलते हैं, एस्ट्रोलोब। क्या बोलते हैं इसे, एस्ट्रोलोब बोलते हैं। अक्षांश जानने वाले यंत्र का नाम क्या है, एस्ट्रोलोब। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है, कुल अक्षांश जो होते हैं, कुल अक्षांश की संख्या कहा जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए जो है ये, तो यहाँ बीचों बीच खींची गई 90 गो रेखा ऊपर है और 90 गो रेखा नीचे है, 90 गो ऊपर 90 गो नीचा, कुल मिला कितना हो गया, 180 हो गया। और एक तो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है, यह कहता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, इसमें क्या होता है, एक को एड कर दीजिए तो कुल मिला के कितना हो जाता है, कुल मिला करके 180। तो आप कहिएगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो हम बोलेंगे 180। लेकिन अब के दौर में कुछ नया, मतलब क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रश्न पूछा जाता है,
कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 80 180 प्लस 1 अर्थात 90 जोड़ 90 180 प्लस 1 181, लेकिन 181 जब हम टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों गलत हो जाएगा, यहां देखिए पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव एक आपको शून्य दिख रहा होगा, शून्य के समान दिख रहा है, दिख रहा है शून्य के समान, जस्ट ऊपर भी शून्य दिखेगा उत्तरी ध्रुव भी, और दक्षिणी ध्रुव भी आपको क्या दिख रहा है, नीचे दक्षिणी ध्रुव भी आपको शून्य के समान ही दिखेगा। तो कहने का मतलब एक और दो, दो को माइनस करना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, दो को माइनस करना पड़ेगा, तो कुल मिला कितने हो जाएगा, 179 हो जाएगा। ठीक है, तो अब से पूछा जाएगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बोलेंगे, 179। किस परिस्थिति में, जब उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी गोलार्ध का जो दक्षिण ध्रुव है, इन दोनों को शून्य मान लिया जाएगा तब। ठीक है, और शून्य दिखता भी है, तो शून्य की कोई परिभाषा यहाँ पे नहीं हो जाएगी जो ज्योग्राफी के अनुसार, इसीलिए। तो चलिए, ये तो हो गया अक्षांश देशांतर की छोटी मोटी हल्का फुल्का परिचय, लेकिन आगे जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न के साथ हम डिस्कशन करते जाएंगे और उसके बारे में जो है और जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न कौन कौन सा आने वाला है या कौन कौन से प्रश्न है। चलिए, इसको समझ में आ गया होगा कि जो है देशांतर की यदि बात करोगे, किसकी, अक्षांश, तो हम समझ गए, अक्षांश तो हम समझ गए कि अक्षांश कितना होता है। तो कहा जाता है कि अक्षांश जो रेखा है, अक्षांश रेखा की कुल संख्या हो गई कितना, 179। ठीक है, जबकि देशांतर की बात यदि हम करेंगे, देशांतर रेखा की बात यदि करेंगे, ये हो जाएगा, कहने का मतलब क्या, 360 डिग्री, यानी 360 होगा, कितना होगा, कहने का मतलब क्या, ये जो देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे करल जो है गोल गोल घुमा हुआ है, इसकी संख्या कुल कितनी होना है, इसकी संख्या कुल मिला करके 130 होना, 360 होना, कितना होना है, 360। 360 में क्या कि 180 एक तरफ हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में, और जो है पश्चिमी गोलार्ध में 180 हो गया, और 180 हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में, कुल मिलाकर के पूर्वी और पूर्वी और पश्चिमी मिलाकर के कितना हो जाना है, 360 हो जाना है। ठीक है, 360 होना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न में क्या आता है, अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्योंकि ये क्लास, देखिए ये क्लास 9th का सिलेबस, क्लास क्लास 9th का ये चैप्टर का पहला अध्याय है, इसीलिए उसका कुछ बेसिक जानकारी भी इस क्वेश्चन में हम जो है लिए हुए हैं, जिससे बेसिक जानकारी हमें प्राप्त हो जाए, और धीरे धीरे करके हम अक्षांश देशांतर को भी समझ जाएंगे और भारत की स्थिति एवं विस्तार को भी हम समझेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न कह रहा है, क्या विश्व में पहला गणतांत्रिक देश कौन सा है, विश्व में पहला गणतांत्रिक देश का है, कहने का मतलब विश्व में जो पहला गणतंत्र, विश्व में पहला गणतंत्र किस देश का है, क्या वह भारत का है, क्या वह अमेरिका में था, क्या यूनान में था, या ईरान में था। तो चलिए विश्व का पहला गणराज्य कहाँ पे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है भारत राज्य, भारत देश में, कहाँ देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कहाँ, भारत देश में, कहाँ देखने को मिलता है, भारत देश में। अब देखिए भारत देश में क्या देखने को मिलता है, कहता है कि भारत देश में, भारत देश में कहता है 16 महाजनपद हुआ करता था, कितना महाजनपद हुआ करता था, 16 महाजनपद हुआ करता था, भारत में कुल मिला के 16 महाजनपद हुआ करता था, क्या हुआ करता था, पद हुआ करता था, और उस महाजन पदों में, 16 महाजन पदों में एक महाजन पद आता था बज्जी, क्या आता था, एक महाजन पद क्या था, एक बज्जी था, इस बज्जी को हम बज्जी संघ कहा जाते कहते हैं। ठीक है, इस बज्जी संघ थे, यह बज्जी संघ कहाँ पड़ता था, वर्तमान बिहार के, वर्तमान बिहार के वैशाली जिला, वर्तमान बिहार के वैशाली जिला में ये बज्जी संघ पड़ता था। इस बज्जी संघ में कहता है कि 8 राजाओं का समूह था, ये बज्जी संघ जो था ना, 8 राजाओं का क्या था, 8 राजाओं का समूह हुआ करता था, 8 राजाओं का, 8 राजाओं का समूह हुआ करता था। इस राजाओं में कोई भी फैसला जो होते थे वो 8 राजाएं आपस में मिल करके, 8 राजाएं आपस में मिल करके क्या करते थे, निर्णय लेते थे, 8 राजा आपस में मिल करके क्या करते थे, निर्णय लेते थे, तब जाके चलता था। और कहा जाता है क्या कि जो जितने इसमें राज्य हुआ करते थे, सभी राज्य का एक अपना अपना राजा हुआ करता था, जब भी कोई फैसला लिए जाते थे, जब भी कोई फैसला लिए जाते थे तो वह सबके सहमति से लिए जाते थे। अब बताइए वैशाली में एक गणराज्य को, वैशाली में एक गणराज्य हुआ करता था, या संघ हुआ करता था कह सकते, या वंश हुआ करता था, कौन सा वंश, उसका नाम है लिच्छवी राजवंश, उसका नाम क्या है, लिच्छवी राजवंश, लिच्छवी राजवंश। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, खूब पूछा जाता है
कि भारत का सबसे पहला यानी विश्व का सबसे पहला गणराज किस राजवंश में दिखता था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लिच्छवी राजवंश, जो कहाँ पड़ता था, वर्तमान बिहार के, वर्तमान बिहार के, वर्तमान बिहार के कौन जिला में, वैशाली जिला में। एक मिस महाजन पद का जो है, इस महाजन पद में एक संघ, एक महाजन पद आता था बज्जी संघ, ठीक है, बज्जी संघ पड़ता था, उसी का ये जो है ना हिस्सा हुआ करता था लिच्छवी राजवंश। इस बात की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, इस बात की जानकारी जो हमें जो है ना भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से मिलता है। बौद्ध और जैन धर्मों के दोनों ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों पुस्तकों से जो है 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही इस लिच्छवी राजवंश की जानकारी भी हमें मिलती है। तो प्रश्न कहता था भारत का विश्व में पहला गणतंत्र किस देश का है, तो वैशाली बिहार में पड़ता और बिहार पड़ता है भारत में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पड़ जाएगा भारत में। विश्व में पहला गणतंत्र किस देश का है, तो है भारत का। चलिए अगला देखते, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का प्राचीन सभ्यता, विश्व का प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में विकसित हुई थी, किस देश में विकसित हुई थी, किस देश में विकसित हुई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या वह यूनान था, क्या वह यूनान था, क्या चीन, क्या भारत या यूनान पड़ता था। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात आया है, कहता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता यानी कि प्राचीन सभ्यता, क्या चीज, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन प्राचीन सभ्यता दो थे, एक का नाम था मेसोपोटामिया, एक का नाम क्या था, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया था, और ये सभ्यता पड़ता था कहाँ, ये पड़ता था ईरान के इलाकों में, ईरान के इलाकों में, ये कहाँ पड़ता था, ईरान के इलाकों में, ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये था ईरान के इलाकों में, ये कहाँ था, ईरान के इलाकों में पड़ता था। और ईरान में कहता है दो नदी हुआ करते थे, एक का नाम था दजला और दूसरा का नाम था फरात, दजला और फरात। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई थी, तो हम बोलेंगे दजला और फरात नदी के किनारे, और अब ये इलाका क्या कहलाता है, ईरान कहलाता है, ठीक है, उस इलाकों में। इसके बाद ये दूसरा सभ्यता आया था, दूसरा सभ्यता था सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा क्या था, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और कहा था सिंधु सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, तो स्वाभाविक सी बात है सिंधु नदी का नाम लिखा हुआ है, तो कहता है सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी एवं उनके सहयोगी जो नदी है या सहायक नदी है उसी के आसपास या उसी के इर्द गिर्द यह विकसित हुई थी। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विकसित हुई, ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या, ये रहा आपका भारत का इलाका, देख लीजिए ये भारत हो गया, ये भारत है, ठीक है, और इसी के दौरान जो है ना इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से मान लीजिए ये है, समझ लीजिए इस प्रकार से भारत है, तो कहा जाता है कि सिंधु नदी जो बहती इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके कर बहती है, और इसी प्रकार से ऐसे ऐसे करके कई सारी नदियां आकर इसमें मिलती है। तो कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस इलाकों में विकसित हुई थी, किस इलाकों में, ये वाला इलाकों में, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये जो वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो ये इलाका पाकिस्तान का होता है, ये इलाका किसका होता है, ये इलाका जो है ये इलाका पाकिस्तान का है, ये इलाका किसका है, पाकिस्तान का, और यह है भारत का। तो अधिक प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, तो हम ये बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ना कि वर्तमान भारत और, वर्तमान भारत और पाकिस्तान, ये भी तो बोल सकते हैं ना, लेकिन ऑप्शन में तो पाकिस्तान तो है नहीं, ऑप्शन में पाकिस्तान तो है नहीं, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि वो विभाजित भारत में सिंधु सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, वो अविभाजित भारत में। उसके बाद देखिए चीन में भी सभ्यता हुई थी जिसे हम चीनी सभ्यता या कहते हैं, ये आता और आता है हांगहो नदी की सभ्यता, ये भी बात हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो है यहाँ इसका प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि विश्व का प्राचीन सभ्यता कौन सी, सिंधु सभ्यता किस देश में पनपी थी या किस देश में विकसित हुई थी, तो हम कह सकते हैं वो अविभाजित भारत में, हम क्या कह सकते हैं, वो अविभाजित भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। मेरा आंसर क्या होना है, भारत होना है, जो कि उस समय जब सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी उसमें भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं,
अगला कहता है भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में आपका आ जाएगा नालंदा, आपका आ जाएगा नालंदा, आपका आ जाएगा तक्षशिला, आपका क्या आ जाएगा? तक्षशिला। तो ये सब जो प्राचीन प्राचीन विश्वविद्यालय है, इस प्राचीन विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहां कहां से छात्र आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहां कहां से छात्र आते थे, भारत आते थे। कहने के समय एक समय ऐसा था कि एक समय में भारत जो है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था, शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए भारत को छोड़ करके जो बाहरी देश के जो लोग थे वो अलग अलग देशों के जो शिक्षा विद्यार्थी थे या शिक्षार्थी थे वह पढ़ने के लिए भारत आते थे, शिक्षा पढ़ाने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालयों में सभी प्रकार के विषयों की जानकारी दी जाती थी, चाहे वह मैथ हो, दर्शन शास्त्र हो, ठीक है, उसके बाद जो है विज्ञान का हो, ये साहित्य का हो, यानी कि लगभग जो है सभी विषयों की जानकारी दिया जाता था। शल्य चिकित्सा हो, डॉक्टरी हो, सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए कहा जाता क्वेश्चन पर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पढ़ने के लिए किन किन देशों से विद्यार्थी आते थे? क्या वो तिब्बत से आते थे? जी बिल्कुल आते थे। चीन से आते थे? तो हाँ आते थे। जापान से भी आता था? तो हाँ आता था। तो मेरा आंसर क्या होना है? इनमें से सभी होना है। क्या होना है? इनमें से सभी। कहने का मतलब विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में जो भारत के विश्वविद्यालय है वहां अलग अलग देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। और वो कहाँ कहाँ से आते थे? तिब्बत से आते थे, चीन से आते थे, जापान से आते थे। बहुत तो ऐसा बात है कि चीन के इर्द गिर्द ईरान इराक से भी पढ़ने के लिए जो है भारत विद्यार्थी पहुंचते थे, ठीक है। चलिए तो उसके बाद देखिए इसी जो है ना ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय से एक प्रमुख शल्य चिकित्सक नाम उसका है जीवक, प्रमुख शल्य चिकित्सक जीवक। और जीवक भी जो अपना शिक्षा जो ग्रहण किए थे, वह ग्रहण किए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय से। कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रहण किए थे। और ये वही जीवक है, जिन्होंने भगवान बुद्ध की सेवा में बिंबिसार के द्वारा भेजे गए थे। किसकी सेवा में? बुद्ध की सेवा में अर्थात उसको इलाज कराने के लिए जो है मगध के शासक जो बिंबिसार हुआ करते थे, बिंबिसार भेजे थे। और कहता है भगवान बुद्ध की सेवा में तो भेजवे किए, इसके साथ साथ जो है अवंती के जो शासक थे चंद्र प्रद्योत उसके सेवा में भी जो है जीवक को ही भेजा था। और कहता है ये जीवक जो है ये बिहार की धरती में पैदा हुआ था। किसके धरती पर? बिहार के धरती पर जो जीवक क्या हुआ, जीवक पैदा हुए थे। और कहता है जीवक के बारे में एक कहावत, जीवक के बारे में इतिहास में कुछ बात लिखा गया है कि जीवक के जो माता पिता थे इसकी कोई जानकारी नहीं मिलता है, अर्थात इनके माता पिता का नाम है ही नहीं। हम ये कह सकते हैं कि ये अनाथ बच्चा था। और ये कहता ये जो उस समय सामाजिक वेश्या हुआ करती थी उसके बेटा थे, कौन? जीवक। उसे जो है कह सकते हैं इसको जो है ना कौन, बिंबिसार का जो एक बेटा हुआ करता था उसका नाम अजात शत्रु था। कौन? उसका नाम क्या था? अजात शत्रु ने ही क्या किया इसको, कौन शत्रु? अजात शत्रु इसे जंगल से उठा करके लाए थे। और कहता है इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय भेज दिया। और वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है कहाँ? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पड़ता है अभी वर्तमान समय में? ये पड़ता है पाकिस्तान में, विश्वविद्यालय है, ठीक है, यहाँ भेज दिया था, ठीक है। ये सब भारत के बिहार के गौरव हुए, ये कौन? जीवक। और ये एक प्रकार के क्या थे? ये शैल चिकित्सक व्यक्ति थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में किस रास्ते से, प्रश्न क्या कहता है, भारत से किस रास्ते गरम मसाला, सूती वस्त्र यानी सूती रेशमी कपड़ा अलग अलग देश भेजे जाते थे,
यानी भारत से कौन कौन से स्थान ऐसा है या कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं जहां से गरम मसाला, सूती रेशमी वस्त्र यानी दूसरे देश भेजे जाते थे, तो क्या वह स्थल मार्ग था, क्या वह समुद्री मार्ग था, क्या वो दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों हो सकते हैं। स्थल मार्ग का जो इसका व्यापार होता था, स्थल मार्ग से इसका जो व्यापार होता था वह कहता है क्या, मार्को पोलो के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था, मार्को पोलो के द्वारा जो है ना भारत से यूरोप ये सब सामान भेजे जाते थे। इसके अलावे क्या आते हैं, जब जाकर के 1400 कब, जब 1498 में समुद्री मार्गों की जब खोज हुई तो यह व्यापार जो है समुद्र मार्ग से भी होने लगा। कौन मार्ग से भी होने लगा, समुद्र मार्गों से भी जो है होने लगा, यानी समुद्र मार्ग से होने लगा इसका व्यापार। तो मेरा आंसर क्या होना है, मेरा आंसर होना है स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से व्यापार किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है दोनों से व्यापार हो रहा होता था, ठीक है। लेकिन सिंधु से समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता कब से होने लगी, इसकी आवश्यकता होने लगी 1453 में, जब कस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। कस्तुनतुनिया पर तुर्की का जब अधिकार हो गया तब जाकर के जो है स्थलीय मार्गों की खोज होने की परंपरा विकसित हुई, शुरुआत हुई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला कहता है पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। चलिए अभी हमने क्या बोला था, ये रहा पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री पे खींची गई रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं। प्रश्न वही कहता है ना, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, क्या देशांतर रेखा कहते हैं, क्या अक्षांश रेखा कहते हैं, क्या भूमध्य रेखा कहते हैं, या कर्क रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर होना है क्या चीज, पृथ्वी के बीचों बीच। भू मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब क्या होता है पृथ्वी, भू का मतलब क्या होता है, भू का मतलब हो गया पृथ्वी, और मध्य का मतलब हो गया बीचों बीच, मध्य का मतलब क्या हो गया बीच, मध्य का मतलब क्या हो गया बीच। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई होती है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। चलिए बताइए आंसर क्या होना है, आंसर इसका क्या होना है, पृथ्वी के बीचों बीच जो है खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे। भूमध्य रेखा बोलेंगे, कोई दिक्कत, उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे। चलिए पूछता है आगे चल करके, कभी कभी पूछता है कि भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई यदि पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 4075। कितना कितना हम वो होता है भूमध्य रेखा की कुल लंबाई, 4000 1 2 11 10000 मतलब 40075, कितना होता है इसका लंबाई, इतना किलोमीटर होता है इसका। ये जो भूमध्य रेखा आप देख रहे हैं बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितना है बताइए, 40075 किलोमीटर, ये भूमध्य रेखा की लंबाई हुआ। इसका आंसर क्या होना है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा कहा जाता है। जब पृथ्वी के, या ये भी कह सकते हैं पूर्वी बिंदु यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाती है उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, इन दोनों को हम कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। और उसके बाद देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है इस रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, इस रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा जो खींची जाती है, 23.5 डिग्री कितना डिग्री, 23.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव में उत्तरी गोलार्ध में जो खींची गई रेखा होती है उसे कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ तक हुआ क्लियर, यहाँ तो क्लियर हो गया, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, इसकी 40075 किलोमीटर, कितना 40075 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। और कहता है ये जो है विषुवत रेखाओं में अति पृथ्वी पे या ग्लोब पे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, कौन, विषुवत रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कहता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, क्या उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, क्या उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, क्या देशांतर रेखा कहते हैं, क्या कर्क कहते हैं, या मकर रेखा कहा जाता है।
इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं बताइए। ये रहा पृथ्वी, बीचों बीच विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की लंबाई कितने भी बताए थे बताइए, 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर जो है विषुवत रेखा की लंबाई हुआ। और ये कहता है ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, इसको हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, इसको उत्तरी गोलार्ध अर्थात इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। कहा जाता है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई, इसके समानांतर जो रेखा खींची जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं, कोई दिक्कत। चलिए पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब बात रहा देशांतर तो समझ में आ गया था, कर्क तो समझ आ गया था कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची जाएगी उसे कहा जाएगा कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा खींची जाएगी उसे कहा जाएगा मकर रेखा, कहा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे उसे मकर रेखा कहा जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न, अगला कहता है अक्षांश रेखा कुल, अक्षांश रेखा की कुल कुल संख्या, अक्षांश रेखा की, अक्षांश रेखा की क्या चीज, अक्षांश रेखा की, अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होती है बताइए। ये रहा हमारा पृथ्वी और ये रहा ऐसे गो विषुवत रेखा, ये अक्षांश रेखा, अक्षांश कर जाएगा आगे चलकर यहाँ जा क्या हो जाता है, यहाँ जा करके शून्य हो जाता है, और यहाँ आते गया आते गया आते गया यहाँ भी क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, कुल मिलाकर के 0 डिग्री उत्तर जो है 90 रेखा होती है और दक्षिण में भी क्या होती है 90 होती है, और एक जो एक होता है विषुवत रेखा होती है, ये कुल मिलाकर कितने हो जाएगा 90 प्लस 90 और प्लस वन एक कितना हो गया बताइए, 181 हो गया, 181। अब देखिए ये 0 डिग्री शून्य हो जाएगा, शून्य का मतलब इसलिए कोई रेखा नहीं होती है, कोई रेखा बनाने के लिए, कोई रेखा बनाने के लिए क्या कहता है दो बिंदु को आना जरूरी होता है ना, तो ये रेखा नहीं माना जाएगा, मान लीजिए कि दोनों जीरो हो गया ना, जीरो हो जाएगा तो इसको क्या करते हैं दोन जीरो हुआ दो को घटा देते हैं तो ये 171 हो जाएगा। भारत पृथ्वी पे जो है कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी 179 होगी, क्या होगी 179 होगी, लेकिन आप सब करेंगे क्या, मार देगा 181, कोई मार देगा 180, कहने मतलब कोई 90 90 जोड़ देगा, 90 ऊपर 90 नीचे दोनों जोड़ देगा, आप कोई क्या करेगा 90 जोड़ 90 जोड़ 1 कर देगा हो 181, लेकिन नहीं, होना कितना है इसमें -2 करना है, क्यों -2 करेंगे क्योंकि उत्तर और दक्षिण मिलाकर दो ध्रुव होते हैं और दोनों ध्रुव को हम शून्य मानते हैं क्योंकि वह शून्य के समान दिख जाता है, इसीलिए लिखा गया है दोनों ध्रुवों को शून्य माना गया है तो उसकी संख्या कितनी होना है तब 179 होना है। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कहता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए उत्तरी ध्रुव पहले बनाइए, उत्तरी ध्रुव हो गया नॉर्थ, डी हो गया साउथ, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं इसे बताइए, क्या बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं बताइए, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या चीज, इसे बोलते हैं हम देशांतर रेखा, इसे क्या बोलते हैं देशांतर रेखा, इसका अंग्रेजी जब देखोगे ना होता है लॉन्गिट्यूड मतलब कि लॉन्ग, एक होता है लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ है, लॉन्ग मतलब खड़ा हुआ है, तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में अंतर समझ लेना ठीक है। देशांतर मतलब क्या होता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब जो लॉन्ग जो खड़ा होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा, जिसकी संख्या कितनी होती है 360, यानी कि प्रत्येक डिग्री डिग्री पे एक देशांतर खींची जाती है। आंसर क्या आता है इसका, आंसर क्या होना है इसका, आंसर होना है देशांतर रेखा, और ये हो गया कि बीचों बीच खींची गई 0 डिग्री पे, किस पे खींची जाती है ये 0 डिग्री पे, ये खींची जाती है कहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में ये खींची जाती है, 23.5 डिग्री दक्षिण में ठीक है। और देशांतर की संख्या कितनी होती है 360 होती है, और देशांतर का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये देशांतर का जो प्रयोग किया जाता है
देशांतर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी बोला था ना, अक्षांश का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, किसी देश की जलवायु, किसी देश की जलवायु या तापमान का पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए, तापमान का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देशांतर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, देशांतर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, समय समय एवं तिथि का पता लगाने के लिए। समय और तिथि का पता लगाने के लिए देशांतर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि ग्लोब पर देशांतर की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है, ग्लोब पर देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है, बताइए। क्या 180 है, क्या 179 या 380 और 360, बताओ इसका आंसर क्या होना है। क्योंकि किसी भी गोला पे 360 डिग्री का कोण बनता है, कितना कोण बनता है, कितना डिग्री का होता है, कोई भी गोला हो वह होता है 360 डिग्री का। और पृथ्वी कैसा है, और पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी है गोला के समान, पृथ्वी कैसा दिखता है, गोला के समान, इसीलिए इसका कितना होना है 360 डिग्री। और पृथ्वी पे देख लीजिए ये है इस प्रकार से घुमल 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 बन जाएगा ना, तो कुल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, जिसमें कि 180 हो जाएगा किसमें, 180 हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध में और 180 हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में, कुल मिला के कितने हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे कितना 360। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, वह दूरी होता है कितना, वह दूरी होता है 111.1 किलोमीटर। कितना होता है 111.1 किलोमीटर होता है, 111.1 किलोमीटर होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कितनी होती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 111 किलोमीटर, 111.11 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रहा आपका पृथ्वी, ये रहा आपका देशांतर रेखा, ये रहा जीएमटी रेखा। चलिए देशांतर यहाँ देखते जाइए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होने वाला, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दो देशांतर रेखाओं के बीच, देखिए ये भी देशांतर है और ये भी देशांतर है, यहाँ ये कौन सा हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ध्यान से हल्का सा गौर कीजिए, तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे दूरी ज्यादा है, यहाँ पे दूरी क्या है, कम है ना, कम, यहाँ पे दूरी ज्यादा है, यहाँ पे दूरी कम है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, यदि प्रश्न ये पूछ लें कि दो देशांतर के बीच, क्या पूछ ले, दो देशांतर के बीच, दो देशांतर रेखा के बीच, दो देशांतर रेखा के बीच, दो देशांतर रेखा के बीच, रेखा के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, कहाँ होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहाँ होती है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसी में पूछ लेगा सर्वाधिक और कहीं पूछ लेगा फिर सबसे कम, सर्वाधिक एवं कम दूरी कहाँ होती है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि होगा भूमध्य रेखा पे, कहाँ होगा आंसर इसका, देखिए यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है ना, भूमध्य रेखा पे ज्यादा है ना,
जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे दूरी घटते जाएगी, घटते घटते एक समय ऐसा आ जाएगा कि जैसे ध्रुव पे जब हम पहुंचेंगे तो ये दूरी हो जाएगी शून्य। ये दूरी क्या हो जाएगी? ये दूरी शून्य हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? वो होती है भूमध्य रेखा पे। वो कहाँ होती है? वो होता है भूमध्य रेखा पे। वो कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोला जाता है, या हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश पे। हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश पे। यदि पूछ ले कि सबसे कम कहाँ हो जाएगा, तो ये तो था सर्वाधिक, ये क्या था? ये था सर्वाधिक, ये क्या था? ये सर्वाधिक दूरी था, ये सर्वाधिक दूरी है। जबकि यदि कम पूछेगा, सबसे कम पूछेगा, तो हम बोलेंगे ध्रुवों पर। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ध्रुव पर। हम बोलेंगे ध्रुवों पर। ध्रुवों में का मतलब कहाँ? उत्तर एवं दक्षिण दोनों ध्रुवों पे अक्षांश रेखा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्रश्न कह रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? तो हम बोलेंगे भूमध्य रेखा एवं अक्षांश रेखा पे, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे। दोनों की लंबाई कितनी होगी? वो लंबाई होगी 111.11 किलोमीटर, 111.11 किलोमीटर होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए, यदि आपसे ये भी पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे दो देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है, कितनी दूरी होती है, फिर भी मेरा आंसर क्या होना है? ये होना 111, कितना? 111.11 किलोमीटर होना है। ठीक है, यदि पूछेगा कि सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम होती है ध्रुवों पर। कहाँ होती है? ध्रुवों पे। कितना होता है? तो हम बोलेंगे 0 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होता है? 0 किलोमीटर इसका होता है। एक बात और यहाँ पे पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा से, कहाँ से? विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से यदि हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम बोलेंगे कहां से किधर जाने पर? 0 डिग्री से ध्रुव की ओर बढ़ने पर। ध्रुव की ओर जाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी। घटेगी क्या हो जाएगा? घटेगी। जब यही उल्टा हो जाए तो क्या होगा? उल्टा ये बात पूछ ले, उल्टा पूछ ले कि ध्रुव से 0 डिग्री को आने पर तब क्या होगा? तो हम बोलेंगे ध्रुव से 0 डिग्री उधर से कहाँ आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? विषुवत रेखा पर आ रहे हैं। ये इधर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? हम आ रहे हैं। ये क्या था? हम जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम आते हैं ना, ये हो जाएगी क्या चीज? बढ़ेगी। क्या होगी? क्या होगी बताइए? बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी, बढ़ेगी। कब बढ़ेगा, कब घटेगा देख लिया ना? 0 डिग्री से, 0 डिग्री से ग्रुप पर बढ़ेंगे तो दूरियां क्या होगी? दोनों के बीच की दूरियां जो है घटने लगेगी। चाहे वह ध्रुव, चाहे वह ऊपर चलो कि इधर चलो या इधर चलो, ठीक है, दोनों गोलार्धों में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। दोनों गोलार्धों में कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत हमको नहीं लगता कि होने वाला होगा। एक बात और, ये भी बात पूछा जाता है, मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा तो इस प्रकार से होता है, ठीक है, अक्षांश रेखा ये हो गया आपका। यदि ये बात पूछ लें कि ध्रुवों अति अक्षांश रेखाओं की सर्वाधिक लंबाई कहाँ होती है, तो हम बोलेंगे 0 डिग्री विषुवत रेखा पर। और सबसे कम दूरी, कब लंबाई कहाँ होती है? तो कम लंबाई होगी ध्रुवों पर। यदि हम ये बात पूछ लेगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखा की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, अक्षांश रेखा की लंबाई दिन प्रतिदिन क्या होता है? ऊपर बढ़ते जाते हैं ध्रुवों की ओर, वह दूरियां उसके कमते जाती, लंबाई उसे कमते जाता है, कमते कमते शून्य हो जाता है। लेकिन लंबाई तो कमेगा, लेकिन उसकी संख्या बढ़ने लगेगी। उसकी संख्या क्या होने लगी? यहाँ एक ऐसे करते 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 यहाँ कहाँ था? 90 तक जाता है। यहाँ पे दो कंडीशन याद रखना। पहला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखा की जो लंबाई है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस पे प्रभाव क्या पड़ेगा? उसकी लंबाई घटेगी। लेकिन लंबाई तो घटेगी पर उसकी संख्या जो होगी, संख्या बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे जो बात आएगा फिर वहां इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला कहता है दो अक्षांश रेखा के बीच, लो भाई पहले क्या पूछा था,
पहले पूछा था दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी थी, तो हम क्या बोले थे सबसे अधिक 111.1 था। कहने का मतलब देशांतर की जब बात हम किए थे अभी, तो देशांतर रेखा के कितने देशांतर रेखा के दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कितना था 111.11 किलोमीटर देखे थे। लेकिन यहाँ बात कुछ और कह रहा है, यहाँ कह रहा है दो अक्षांश, यहाँ पे क्या कह रहा है, दो अक्षांश रेखा के बीच सर्वाधिक दूरी पूछ रहा है, यह दूरी हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। और कहता है ये दूरी जो है चाहे वह ध्रुव पे नापो या विषुवत रेखा पे नापो या कहीं भी नापो तो सब के जगह समान होता है, क्या होता है, सभी जगह समान होता है। जबकि देशांतर में क्या होता था, ध्रुव की ओर बढ़ते थे तो दूरियां क्या होती थी, घटती थी। लेकिन जब हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो दूरियां क्या रहेगा, समान रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समान तो होते हैं, जितना दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है, उतनी दूरी यहाँ है, उतनी दूरी यहाँ है, मतलब क्या इसकी दूरी जो है ना लगभग में क्या होते हैं, हर जगह इसका दूरी समान होते हैं। तो हमेशा पूछेगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, तो हम तो सर्वाधिक क्या हर जगह समान होती है, सर्वाधिक कहीं नहीं होता है, और सर्वाधिक दूरी कितना होता है 111.32 किलोमीटर होता है, और ये दूरियां हमेशा समान रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। तो घटती सिर्फ क्या है, घटती है इसकी रेखा की, अक्षांश रेखा की लंबाई घटती है, इसकी लंबाई घटती है। कब लंबाई घटेगी, जब हम जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, अर्थात ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तब जाके ये लंबाई क्या होने लगेगी, ये लंबाई घटने लगेगी। ठीक है, घटने लगेगी। लेकिन जब 90 डिग्री से 0 डिग्री को आएगी तो ये लंबाई क्या होने लगेगी, लंबाई जो है बढ़ने लगेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूरियां समान रहेगा। ठीक है, ये दूरियां क्या रहेगा, ये दूरियां हमेशा समान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला कहता है एक अक्षांश रेखा समान रहता है, एक अक्षांश रेखा पे क्या समान, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अक्षांश रेखा पर क्या समान रहता है, क्या समान रहता है, क्या समय समान रहता है, जलवायु समान रहता है, तापमान समान रहता है, या दोनों, यानी जलवायु और तापमान दोनों समान रहते हैं। तो हमारा आंसर होना है, यदि ये मेरा पृथ्वी है, ये बीचों बीच विषुवत रेखा हो गया, जितना इसके बाद देखिए एक मिनट, ये भी क्लियर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब जो हमारा सूर्य जो चमकता है, इन्हीं दोनों के बीच चमकता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, कर्क और मकर रेखा, इसे हम बोलते हैं कर्क, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम कर्क बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मकर बोलते हैं। कहता है कर्क और मकर के बीच ही क्या चमकते हैं, सूर्य चमकते हैं, इन्हीं दोनों के बीच चमकते रहता है। अब जितना तापमान यहाँ पड़ेगा उतने तापमान पूरे यहाँ पड़ेगा, इस पूरे पे समान रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, जितना तापमान जैसा यहाँ वैसा ही पूरे पे पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा बोर सो, जलवायु और तापमान दोनों क्या रहते हैं, समान रहते हैं, ये नहीं बदलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है देशांतर बदलने पर क्या बदल जाता है, देशांतर बदलने पर क्या बदल जाता है, यदि हम देशांतर बदलेंगे। ये रहा देशांतर बनाओ, पहले ये रहा आपका देशांतर बनाओ, इसको ये देखिए देशांतर, इसको समझिए। कहता है यदि हम एक देशांतर को छोड़कर दूसरे देशांतर पर जाएंगे, यदि हम यहाँ पे हैं, यहाँ से इस पर आएंगे तो क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या बदलेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या बदलेगा, यहाँ पे क्या बदलेगा, यहाँ पे क्या बदलेगा,
चाहे यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या बदलेगा, यहाँ क्या बदलेगा, यहाँ क्या बदलेगा, सब देखिए। यदि हम इस प्रकार से देखेंगे जितना तापमान जलवायु यहाँ जैसा यहाँ सब का समान रहेगा, लेकिन ये तो नहीं बदलेगा, समान तो सब एक जैसा रहेगा। इस रेखा पे क्या है, हर हर देशांतर पे समान रहेगा, लेकिन बदलता क्या है, समय बदलता है। यहाँ का टाइम समय कुछ और, यहाँ का समय कुछ और, यहाँ का समय कुछ और, यानी प्रत्येक देशांतर पे समय इसका अलग अलग होगा। क्या होगा, इसका समय अलग अलग होगा। कितना अलग होगा इसको समझिए, कितना अलग होना है, कितना अलग होगा इसको समझिए, कितना अलग होगा इसको समझिए, अलग कितना होगा। कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में जो है पूरा घूम लेती है, अर्थात 24 घंटा में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूम लेती है। कितना घूम लेती है, 360 डिग्री घूम लेती है। इसका आंसर तो समय होना ही है, ठीक है। तो कितना, 24 घंटा में कितना घूम लेती है, 360 डिग्री घूम लेती है। तो कहता है कि एक घंटा में कितना घूमेगा, एक घंटा में कितना घूमेगा बताइए, एक घंटा में 360 बटे 24 घूमेगा, इसमें भाग दीजिए कितने बार कटेगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इसको और काटेंगे 15, कुल मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, 15 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, कितना घूमेगा बताइए, एक घंटा में, एक घंटा में कितना घूमेगा, एक घंटा में 15 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा एक घंटा में, एक घंटा में 15 डिग्री घूमेगा। आप बताइए, एक 15 डिग्री घूमने में, 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 60 मिनट अर्थात एक घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, एक घंटे का समय लगता है। कितना समय लग रहा है, एक घंटा का समय लग रहा है। कितना, 60 मिनट का, 60 मिनट का समय लग रहा है, कब, 15 डिग्री घूमने में। तो अब कहता है क्या, एक डिग्री घूमने में तब कितना समय लगेगा, एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 60 बटे 15, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 मिनट। कितना मिनट का समय लगेगा, 4 मिनट। और हम जानते हैं कि एक डिग्री पे एक देशांतर खींची होती है, एक डिग्री पर एक देशांतर खींची हुई है। कितना देशांतर खींची हुई है, एक डिग्री पर एक देशांतर खींची हुई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक देशांतर को पार करके दूसरे देशांतर पर जब हम जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर होगा। कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर होगा। कितने मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा था कि देशांतर बदलने पर क्या बदल जाएगा, तो समय बदल जाएगा। कैसे, यहाँ पे यदि बज रहा है 1:04, तो यहाँ हो जाएगा 1:08, यहाँ हो जाएगा 4:12, ऐसे करते करते बढ़ते जाएगा। अब एक बात और आया है कि किधर समय बढ़ेगा, किधर समय घटेगा, किधर समय बढ़ेगा, किधर घटेगा। देखिए, ये रहा 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। यदि, और दूसरी बात, पृथ्वी की दिशा किधर से किधर घूम रही है, ये घूम रही है पश्चिम से पूर्व घूम रही है। एक बात बताइए, यदि यदि हवा पश्चिम से पूर्व बह रही है या चल रही है और हम भी पूर्व दिशा में जा रहे हैं, तो मेरी गति बढ़ा रहेगा कि घटा रहेगा, बढ़ा रहेगा। यदि उसके विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे वही बात कह रहा है कि ये घूम रही है पूर्व, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, अर्थात पूर्व की ओर यदि हम बढ़ेंगे तो समय क्या हो जाएगा, 4 मिनट प्रत्येक देशांतर पे, यानी 4 मिनट प्रत्येक देशांतर पे समय क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जो है पश्चिम की ओर आएंगे तो 4 मिनट समय क्या हो जाएगा, 4 मिनट समय घट जाएगा, 4 मिनट समय जुड़ जाएगा पूर्व बढ़ेंगे और माइनस इधर पश्चिम आएंगे तो 4 मिनट क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए कहता है कि देशांतर बदलने पे समय में परिवर्तन होता है, समय में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी देशांतर पार करने में कितना मिनट समय बढ़ जाता है, बताइए, 4 मिनट समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी हम पूरा क्लियर डिस्कस किए थे, 4 मिनट समय क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, भारत का मानक समय रेखा क्या है। पहला बात समझिए, मानक समय रेखा किसको कहते हैं, मानक समय रेखा हम किसे कहते हैं, मानक समय रेखा हम किसे कहते हैं। कहता है किसी भी देश के बीचों बीच खींची गई देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहते हैं। किसी भी देश के बीचों बीच खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा बोलते हैं। और कहता है कि मानक समय हमेशा पृथ्वी गति,
किसी भी देश के बीचों बीच होनी चाहिए, और बीचों बीच होने के साथ साथ और 7.5 डिग्री का 7.5 डिग्री का गुणांक भी होना चाहिए। 7.5 डिग्री का क्या होना चाहिए? गुणांक भी होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है? वह देश के बीच में होनी चाहिए, देश के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो कहता है मानक समय का मतलब होता है उस राष्ट्र में समय किस रेखा से समय निर्धारित की जाएगी, ठीक है, उसे कहा जाता है मानक समय रेखा कहा जाता है। और यह पृथ्वी के बीचों बीच, और यह पृथ्वी के बीचों बीच नहीं बल्कि किसी भी देश के बीचों बीच खींची होती है। तो कहता है भारत का मानक समय क्या है? अब यहाँ पे देखिए भारत का मानक समय रेखा क्या है, कितना मानक समय है? तो हम कहते हैं 5.5 घंटा आगे। आगे का मतलब होता है जोर, आगे मतलब क्या होता है? 5.5 घंटा प्लस होता है क्या? मानक समय का 5.5 घंटा प्लस यानी जोर होता है, जोर देते हैं। कहाँ से जोर देते हैं? जीएमटी रेखा से 5.5 घंटा पूर्वी गोलार्ध में बढ़ता है समय, इसीलिए प्लस लिखे हैं, पश्चिमी रहता घटा घटाक लिखते। तो इसलिए कितना समय है भारत का मानक समय? भारत का मानक समय रेखा 5.5 घंटा है। कितना है? 5.5 घंटा। अब देखिए 5.5 घंटा कैसे है, कैसे 5.5 घंटा पूर्ता है, इसको निकाल देते हैं। अभी हमने क्या जाना, एक दशांतर को पार करने में कितना मिनट का अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है 4 मिनट का। कितना मिनट का पड़ता है? 4 मिनट का। और भारत का मानक समय रेखा जो है उस दशांतर कितना पे स्थित है? वह स्थित है 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है भारतीय मानक समय रेखा पड़ता है। तो कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 कर दो, ठीक है। अब बताइए एक देशांतर को पार करने में लगता है समय कितना? 4 मिनट। तो इसको 4 से क्या कर देंगे हम? 4 से गुना कर देंगे, गुना कर दो इसको, घटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 आ जाएगा। अब इसको काटाओ, 4 एकम की 2, 1 मिनट काटाओ 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10। अब ये भी कटेगा, इसको काटाओ, 5 एकम के 5, 5 एकम के 5, बच गया 3, 6 पंचे 30, बच गया 2, 5 25, 165 गुना करना है, 165 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 5 दूनी के 10, बच गया 1, 6 दूनी 12, 13, 1 बच गया 1, 2, 1, 3, 330 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा? 330 मिनट हो गया। अब देखिए इस 330 मिनट को घंटा बदलते, घंटा बदलिए 330 मिनट को घंटा में बदलने के लिए ये मिनट है, ये क्या है? ये मिनट है। घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसको 60 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? रुकिए एक मिनट, 330 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देते हैं। आप भाग दीजिए 6 एकम के 6, 6 पंचे 30 हो गया। अब बचा है 3 दशमलव, फिर 6 पंचे 30, ये हो गया क्या चीज? घंटा। 5.5 न हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कितना घंटा। लेकिन अब ये बताइए इतना का अंतर होना है, कहता है कि भारत कहाँ स्थित है? तो पूरब में ने, इसका हो जाएगा प्लस, पूरब में जुड़ जाता है, तो 5.5 घंटा क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो समझ में आ गया पूरा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है भारत का मानक समय रेखा कितना अंश पूर्वी देशांतर पर है? क्या वह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 82.5 डिग्री है, 83.5 डिग्री, 85? अभी हमने तुरंत ने बोला था ना 82.5 डिग्री कितना पूर्वी में है, कितना है? पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। ये वाला आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा आंसर? क्या होना है? ये वाला होना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कहता है भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो गुजरती है, उस राज्य का नाम गिन लीजिए कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। बताइए कितने राज्यों से? 4 राज्यों की 5 राज्यों से गिनिए। तो उत्तर प्रदेश, क्या चीज? उत्तर प्रदेश, कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बाद? उत्तर प्रदेश के
बांध क्या होना है, नीचा में क्या आता है उत्तर प्रदेश नीचा में झारखंड कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश उड़ीसा, कुल मिलाकर कितना हो जाता है, कुल मिलाकर के पांच राज्य, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पांच राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग कितने देशांतर का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने देशांतर का अंतर है, इधर है गुजरात, इधर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इधर है, ठीक है, इधर क्या है अरुणाचल प्रदेश है। अब कहता है इन दोनों के बीच, पहला तो देखिए यहाँ का जो दूरी है ये देशांतर है, ये है कितना देशांतर पे है, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है और ये आता है क्या इतना 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों के बीच यदि अंतर निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लगभग में घटाना पड़ेगा, तो लगभग में है ना 30 डिग्री का अंतर आता है, कितने डिग्री का अंतर आता है, लगभग में 30 डिग्री का अंतर आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यदि इसको समय में कितना अंतर पड़ जाएगा, समय में कितना अंतर पड़ जाएगा, 30 में 4 से गुना करेंगे तो अंतर कितना पड़ता है, क्या गो देशांतर ऐसे करता है, तो 30 को, क्या गो 30 को, तो कहता है क्या कि इन दोनों से जब समय का अंतर निकालेंगे तो गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 120 120 बराबर कितना घंटा हो गया, हो गया 2 घंटे का। तो पूछेगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने घंटे का समय में अंतर पड़ता है, तो हम बोलेंगे 2 घंटे का, और अक्षांश या देशांतर में अंतर पूछ रहा है तो हो जाएगा कितने का, 30 का, कितने हो जाएगा 30 का हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है ना, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखिए यहां से शुरू होता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, तो ये भारत हो गया, यहां से भारत शुरू होती है और यहां तक जाता है, ठीक है, और यहां से भारत खत्म होता है और यहां से शुरू होता है, तो भारत का अक्षांश पूछ रहा है, अक्षांश तो इस प्रकार से होता है, अक्षांश किस प्रकार से होता है, देखिए अक्षांश जो है इस प्रकार से खींची जाती है ना, अक्षांश इस प्रकार से खींची जाती है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, ऐसे खींची जा रही है, ऐसे करते करते यहां तक जाएगा, और ये जो है देशांतर, ये जो है क्या है, ये खींचा जाता है देशांतर रेखा, ये क्या खींचा जाता है, इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची जाती है, ठीक है, इस प्रकार से क्या खींचा जाता है, देशांतर खींचा जाता है। पूछ रहा अक्षांशीय विस्तार, तो यहां से अक्षांश शुरू होती है, यहां से क्या शुरू होता है, यहां से अक्षांश शुरू होती है और यहां जाकर के खत्म होता है, तो यहां का जो समय है, ये अक्षांश जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, वो भी कहाँ है, विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में, और यहाँ कहाँ तक आता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। यदि आपका ये बात पूछेगा, देशांतर की बात पूछेगा, तो देशांतर क्या हो जाएगा, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार यदि पूछेगा तो हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है, ये मेरा अक्षांशीय विस्तार है, ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, जबकि देशांतरीय विस्तार पूछेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, कहां पर, पूर्वी
पूर्वी देशांतर ये फैला हुआ है, ये हो गया मेरा देशांतरीय विस्तार, ये मेरा हो गया अक्षांशीय विस्तार। लेकिन यदि पूछेगा भारत का दक्षिणी ध्रुव कितना विस्तृत है, तो हम बोलेंगे कितना, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में, और यहाँ है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि वर्तमान समय में जलमग्न है। इंदिरा पॉइंट कौन सा, इंदिरा पॉइंट वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में ये जलमग्न हो गया है, जलमग्न हो गया है। अगला पूछ रहा है क्या कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, बताइए इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, क्या 8 डिग्री 4 में उत्तर में है या 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है, ठीक है उत्तर में है, क्या 68 डिग्री 7 मिनट कितना हो बताइए, ये कितना होना है, 6 डिग्री 45 यानी 4-5 मिनट। चलिए ये है क्या चीज, ये कहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ये पड़ता है निकोबार में, कहाँ पर, महान निकोबार में अर्थात ग्रेट निकोबार में, कहाँ पड़ता है ये, ग्रेट निकोबार। आखिर वास्तव में जो है ये इंदिरा पॉइंट है, वास्तव में इंदिरा पॉइंट जो है, ठीक है वास्तव में इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये हिमालय का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा है, जिसका हम जो है डिस्कशन क्लास में कर चुके हैं, ऑफलाइन के क्लास में हम कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत की पश्चिमी बिंदु क्या, इंदिरा पॉइंट है, नहीं इंदिरा पॉइंट ये नहीं, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये दक्षिण बिंदु है, क्या है, भारत की सबसे दक्षिण बिंदु है। और कहता है इंदिरा कौल ये उत्तर है, ये क्या है, ये उत्तर है, ये क्या है, उत्तर बिंदु है। कहता है गोहर माथा या सर क्रीक ये कहाँ का है, ये पश्चिमी है, ये क्या है, ये पश्चिम है, पश्चिमी बिंदु हुआ। किबिथु या बलांगू, किबिथु या बलांगू, किबिथु या बलांगू ये क्या है, तो ये पूर्वी बिंदु है, भारत के पश्चिमी बिंदु उत्तरी बिंदु जो है ये सब है। कहने का मतलब भारत की पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत की पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है तो आंसर क्या होना है, गौहर माता या सरक्रीक होता है, गौहर माता या सरक्रीक जो पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। और जो है दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और ये क्या, इंदिरा कौल। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात आ गया, क्या समझने वाली बात है, पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट पे, कहाँ पर, नॉर्थ में स्थित है। सरक्रीक कहाँ पड़ता है, ये जो सरक्रीक या पश्चिमी है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट, कहाँ रे, पश्चिमी गोलार्ध में, अति पश्चिमी गोलार्ध यानी कि पश्चिमी अति पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, कहाँ पड़ता है, पूर्वी देशांतर में पड़ता है। और ये किबिथु कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पूर्वी देशांतर। इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट, कहाँ, उत्तरी में, उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, ठीक है। चलिए देख लिए, तो अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता क्या है, इंदिरा पॉइंट कब से जलमग्न है, इंदिरा पॉइंट कब से जलमग्न है, इंदिरा पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट कब से जलमग्न है। कहता है कि भारत में, भारत के बंगाल की खाड़ी में, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में एक बार सुनामी आया था, क्या आया था, एक बार सुनामी आया था, भयंकर सुनामी आया था। उस सुनामी के वजह से इंदिरा पॉइंट जो है क्या हो गया, जो हिमालय का हिस्सा हुआ करता था, जो हिमालय का क्या है, हिस्सा हुआ करता था, वह क्या हो गया, जलमग्न हो गया। तो ये सुनामी जो आया कब था, ये सुनामी आया था 2004 में आया था, 2004 में जब आया ना, तभी से इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, जलमग्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, मुख्य भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, किसकी लंबाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मुख्य भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, मुख्य सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो लंबाई है कितनी, 15,200 किलोमीटर। ये क्या है, ये स्थलीय है, ये क्या है,
ये स्थलीय सीमा हुआ, ये क्या हो गया, ये स्थलीय सीमा हो गया, ये क्या हो गया, ये तटीय सीमा हो गया, ये तटीय सीमा की लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, यदि इसमें कहा दिया है स्थल, इसमें कहा दिया है स्थल और तटीय सीमा, स्थल एवं तटीय सीमा, स्थल एवं तटीय सीमा को दोनों को एड कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितनी लंबाई होगी, तब लंबाई हो जाएगी कितने किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यदि ये पूछ ले कि सिर्फ द्वीप समूह की लंबाई कितनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टोटल में से क्या करेंगे, 15,200 और 6100 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तब जाकर जो शेष बचेगा वो मेरा द्वीप का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुख्य भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई रेखा कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। लगभग ये कहा जाता है जो तटीय सीमा है स्थलीय सीमा की आधी है, तटीय सीमा है लगभग स्थलीय सीमा की आधी है। ये पूछ लेगा कि तटीय सीमा स्थलीय सीमा क्या है, तो लगभग दुगुनी है, क्या है, लगभग दोगुनी है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्र कितना है, इसका है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, या कि ये कह सकते हैं लाख किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, यानी 32,87,263 किलोमीटर क्या है, ये भारत का मुख भाग का क्षेत्रफल है। मुख भाग का कितना है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये है भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल है। चलिए अगला कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%, कितना प्रतिशत है, 2.4% है। कहने का मतलब क्या कि पूरे विश्व में जितना क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंटेज में आता है, वो आता है 2.4% में, कितना आता है 2.4% में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थलीय स्थान क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान क्या है, क्या वह सातवां है, पांचवा, तीसरा या चौथा, बताइए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए, दीजिए दीजिए इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट दीजिए, इसका आंसर क्या होना है, सातवां हो जाएगा। इसमें कौन कौन से देश आएंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन आता है क्षेत्रफल के अनुसार से, रूस, उसके बाद क्या आ जाएगा, कनाडा, रूस, कनाडा, तब क्या आ जाएगा, चीन, रूस कनाडा अमेरिका, तब फिर आया क्या चीज, चीन, तब आ जाएगा ब्राजील, तब जाकर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आ जाएगा, तब जाकर आएगा भारत। कितने नंबर पर भारत आता है, भारत आता है कितने नंबर पर, सातवां नंबर पे, किसमें, वो क्षेत्रफल के अनुसार आता है, सातवां नंबर पे आता है। जबकि यदि जनसंख्या की बात अधिक करेंगे, किसकी बात करेंगे, जनसंख्या की बात अधिक करेंगे तो हो जाएगा पहले स्थान पे, 112.8 करोड़, कितना, 8 करोड़ के लगभग में भारत की वर्तमान जनसंख्या अनुमानित है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला कह रहा है स्थलीय भाग जिसके तीन तरफ से जल हो, कहता वैसा स्थलीय भाग जिसके तीन तरफ से क्या हो, जिसके तीन तरफ से जल हो उसे क्या कहेंगे, उसे प्रायद्वीप कहेगा, द्वीप कहेगा, सागर कहेगा या खाड़ी कहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रायद्वीप बोलेंगे। कहने का मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, भारत है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे क्या है अरब सागर,
और यहाँ पे है नीचे में क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। तो कहता है एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी हो गया, एक तरफ अरब सागर और एक तरफ हिंद महासागर हो गया। तो ये स्थलीय भाग जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं, जिस स्थलीय भाग के चारों तरफ क्या हो, पानी हो, क्या हो, पानी हो, क्या हो, पानी हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम द्वीप बोलेंगे। खारी किसे बोलेंगे, कहता है कि पानी, ये हो गया क्या चीज, ये पानी है। अब कहता है इसके तीन तरफ से, तीन तरफ से क्या हो जाए, स्थल हो जाए, तीन तरफ से स्थल हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पानी को हम क्या बोलेंगे, इस पानी को हम बोलेंगे खारी बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा जलीय भाग जिसके तीन तरफ से स्थल हो तो उसे खारी बोलेंगे, वैसा स्थलीय भाग जिसके तीन तरफ से पानी हो उसे प्रायद्वीप बोलेंगे, वैसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ से पानी हो उसे द्वीप बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला कहता है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, क्या भारत है, क्या रूस है, भारत या कनाडा, क्या पता है कौन है, अमेरिका है, कौन है बताइए, अमेरिका है या रूस है या भारत है या कनाडा है। तो आंसर इसका होना है क्या चीज, रूस, क्या होना है, रूस। इसका क्षेत्रफल कम से कम देखा जाए ना 173 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग पड़ता है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा आ जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन कौन सा, रसिया आ जाएगा नंबर वन पे आ जाएगा, इसी में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान क्या है, भारत का सातवां है, इसका स्थान पहला है, उसके बाद दूसरा में कौन आता है, कनाडा में, तीसरा में कौन आता है, अमेरिका, तीसरा में कौन आता है, अमेरिका। अब चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कहता है बदलते अक्षांश के अनुसार तापमान, बदलते अक्षांश के अनुसार तापमान में क्या होता है, जब हम अक्षांश को बदलेंगे तो तापमान में क्या हो जाएगा, तापमान हम बोले थे कि एक अक्षांश पर, हमने क्या बोला था, एक अक्षांश पर, एक अक्षांश पर, एक अक्षांश पे क्या समान होते हैं, तो तापमान समान होते हैं और जलवायु समान होते हैं, और जलवायु, और जलवायु समान होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, हम बदल लेंगे, हम अक्षांश को क्या करेंगे, हम उसको बदलेंगे, तो हम उसको जब बदलेंगे तो क्या बदलेगा, तापमान क्या हो जाएगा, अक्षांश के अनुसार तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है और घटता है, ये दोनों होगा इसका आंसर। अक्षांश बढ़ते अक्षांश, ओहो रुकिए एक मिनट, प्रश्न क्या कह रहा है, बढ़ते अक्षांश। अब यहाँ पे देखिए कितना मस्त लॉजिक है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, यहाँ से 1 डिग्री, ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ जा करके 90 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री था, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात हम जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने में तापमान क्या होता है, वह तापमान घटता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है 23.5 डिग्री उत्तर तक जो सूर्य तो रहता ही है, उत्तरी गोलार्ध पे बढ़ने के बाद तो तापमान, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, जिस कारण तापमान में वहां पे क्या होता, कमी आती है, इसीलिए कहता है बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता है, जब अक्षांश बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, जब अक्षांश घटेगा तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, ये बात हुआ, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक गर्म रहता है, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक गर्म रहता है, बताइए क्या वह उत्तरी ध्रुव गर्म रहता है, उत्तरी ध्रुव के पास तो प्रकाश तिरछा पड़ता है, वहां पे धूप उतना जाता ही नहीं है, वह बर्फों से भरा हुआ है, दक्षिण ध्रुव ये भी नहीं होगा, क्या सभी समान होते हैं, नहीं, विषुवत रेखा पे कहता है सालों भर गर्मी पड़ती है, सालों भर, सालों भर क्या पड़ता है, सालों भर गर्मी पड़ती है, सालों भर गर्मी पड़ती है, सालों भर गर्मी पड़ती है, इसीलिए विषुवतीय प्रदेश जो है, कौन सा प्रदेश, कौन सा प्रदेश, विषुवत प्रदेश, विषुवत क्षेत्र क्या होते हैं, गर्म होते हैं, अर्थात तापमान उच्च होता है, तापमान जहां उच्च होता है, तापमान क्या होता है, तापमान जहां उच्च होता है वहां पे वायु दाब कम होता है, वहां पे वायु दाब क्या होता है, वायु दाब कम होता है,
जहां का तापमान उच्च होता है वहां वायु दाब कम होता है। अब कहता है तो जहां वायु दाब कम होगा तापमान उच्च होगा वहां पे वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी इसीलिए कहता है विषुवतीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन है, विषुवतीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन है और इसी वन क्षेत्र को यानी विषुवतीय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वहां से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, इसीलिए विषुवतीय प्रदेशों में जो वन पाए जाते हैं उस वन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उस वन को क्या कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कहते हैं भारत में दैनिक तापांतर 45 मिनट सबसे कम किस राज्य में देखने को मिलता है, क्या वो केरल है, क्या वो लद्दाख है, क्या तमिलनाडु है, लद्दाख है या और दोनों है, तो हम क्या बोल सकते हैं। कहता है कि भारत में दैनिक तापांतर सबसे कम यानी कि दिन का सबसे ज्यादा समय और रात का सबसे कम समय के बीच का जो अंतर होता है 45 मिनट का वो कहाँ कहाँ केरल और तमिलनाडु में होता है, जबकि लद्दाख में 5 घंटे का होता है दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है भारत में, तो लद्दाख में देखने को मिलता है 5 घंटे का, जबकि केरल और तमिलनाडु में सबसे कम दिखता है कब, कितना मिनट का, 45 मिनट का दैनिक तापांतर जो है दिखता है। चलिए अगला देखिए, कहता है गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच कितना समय का अंतर होता है, 2 घंटे का, क्या होता है बताइए, 2 घंटे का, कितने घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे की, 4 घंटे या 6 घंटे। अभी हमने बोला था ना कि गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच का जो देशांतर रेखा 30 मिनट 30 देशांतर का है और एक देशांतर को पार करने में लगता है कितने, एक देशांतर को पार करने में लगता है 4 मिनट, इसीलिए कुल मिलाकर के 120 मिनट बराबर क्या घंटा, 2 घंटा। तो आंसर इसका क्या होना है, इसका आंसर होना है 2 घंटा होना है। चलिए नेक्स्ट अगला कहता है स्वेज नहर कब खोला गया, स्वेज नहर कब खोला गया, स्वेज नहर कब खोला गया, 1869 में स्वेज नहर खोला गया। अब कहता है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है लाल सागर को भूमध्य सागर से, किसको जोड़ता है स्वेज नहर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इस स्वेज नहर के खुल जाने से जो व्यापार समुद्री मार्गों से काफी बहुत ही लंबे दूरी तय करके होता था वो दूरियां बहुत घट गई। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला पूछ रहा है सार्क की स्थापना कब हुआ था, सार्क की स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1885, 1995 की 1895, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर 1985। सार्क क्या हो जाएगा, सार्क क्या है, सार्क को हम जो है दक्षेस भी कहते हैं, सार्क को हम क्या कहते हैं, दक्षेस भी कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको क्या बोलते हैं, सार्क को हम जो है दक्षेस भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दक्षिण दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सहयोग संगठन, इसका स्थापना हुआ था 7-8 दिसंबर 1985, कहाँ हुआ था, बंगाल, कहाँ हुआ था, बंगाल के किस में, कहाँ पर, ढाका में, ढाका में हुआ था, कहाँ हुआ था, ढाका में। इसमें कौन कौन से देश सदस्य हुए थे, इनमें कौन कौन से देश सदस्य थे उस समय जब स्थापना हुआ था, तो पाकिस्तान हुआ करता था, भारत हुआ करता था, नेपाल हुआ करता था, नेपाल हुआ करता था, भूटान हुआ करता था, बांग्लादेश हुआ करता था, बांग्लादेश हुआ करता था, श्रीलंका हुआ करता था, मालदीव हुआ करता था, मालदीव हुआ करता था। आगे चल करके 2007 में एक देश और शामिल हुआ, उसको हम अफगानिस्तान कहते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं, मतलब कि दक्षिण एशिया के सभी देश इसमें शामिल हुए थे। इसका काम था आपसी सहयोग, अपनी आपसी मेल माप मेल करके अपना आर्थिक विकास करना इसका काम था। चलिए अगला पूछता है कौन सा सदस्य भारत का सदस्य नहीं है,
भारत के पड़ोसी देशों में से एक म्यांमार एक ऐसा देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। भारत तो है ही, नेपाल तो है ही और भूटान भी है। इसके अलावा श्रीलंका भी है, इसके अलावा श्रीलंका है, इसके अलावा बांग्लादेश है, इसके अलावा बांग्लादेश है, इसके अलावा मालदीव है, इसके अलावा मालदीव है, इसके अलावा पाकिस्तान है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, इसके अलावा क्या है, अफगानिस्तान, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला कहता है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या है, कौन सा क्या हुआ, रेड क्लिप रेखा, ड्रन रेखा है, या मैकमोहन रेखा है, या 49वीं समांतर रेखाएं हैं, 49वीं समांतर रेखाएं हैं। तो मैकमोहन रेखा इसका क्या होना है, इसका आंसर होना है, इसको कब खींचा गया था मैकमोहन साहब ने, 1914 में खींचा गया था। रेड क्लिप रेखा कहाँ पड़ता है, रेड क्लिप रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच है, पाकिस्तान और भारत के बीच इसका, इसको कब खींचा गया था, 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था रेड क्लिप ने। ड्रन रेखा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और 49वां समांतर कहाँ है, अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी है, तो 49वीं समांतर रेखाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछ रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो हमें पहले जानना पड़ेगा कर्क रेखा गुजरती किन किन राज्यों से है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, एक ट्रिक है इसको याद रखिए। मित्र, पर, हाँ मित्र पर गम छाछार, मिस हो गया मिजोरम, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मिजोरम से गुजरती है, गुजरात भी है, क्या है, गुजरात भी है, पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उसके बाद राजस्थान भी है, राजस्थान भी है, एक मिनट, गोवा नहीं है, त्रो है, क्या है ये त्रो है, त्रो से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद पूछता है छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद झारखंड हो जाएगा, झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड हो गया। इतने राज्यों से गुजरता है, क्या गुजरात से गुजरता है, तो हाँ झारखंड से, हाँ मध्य प्रदेश, हाँ किससे नहीं गुजर रहा है, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजर रहा है। कहता है कौन से पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है, उत्तर प्रदेश को छूता है, कौन से पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है, ध्यान दीजिए, कौन से पड़ोसी उत्तर प्रदेश को छूता है, देखिए ये रहा आपका नेपाल, क्या पूछता है कौन से पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है, यहां देखिए ये तो आपका क्या हो गया, नेपाल हो गया, ये आपका हो गया भूटान हो गया, ये क्या हो गया भूटान, यहाँ पे है बिहार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिहार है, और यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे क्या है, यूपी। तो अब पूछ रहा क्या है, पूछ क्या रहा है, भारत से पड़ोसी देश, कौन से पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है, तो हम बोलेंगे नेपाल छूता है, कौन छू रहा है, नेपाल छू रहा है, बांग्लादेश तो यहां पड़ता है, बांग्लादेश तो नेपाल यूपी को नहीं छूता है, आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। चलिए कहता है भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना अंश का अंतर है, तो लगभग कितना अंश का अंतर है, 30 डिग्री का, कि 40 डिग्री का, क्या 45 की, क्या या 20 का, इसको आप देखिए बताइए इसका आंसर क्या है, कमेंट बताइए, हम बता चुके हैं।
इसका आंसर क्या होना है 30 डिग्री। चलिए अगला देखिए, कहता है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप कौन सा है? क्या वह लक्षद्वीप है, क्या अंडमान निकोबार है, अंडमान है या निकोबार है, या दोनों है? यहाँ देखिए, यहाँ है बंगाल की खाड़ी और यहीं पे आता है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन है, अंडमान है और निकोबार है, ये दोनों हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा। जबकि लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अरब सागर में, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अरब सागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य का तटीय सीमा सबसे लंबी है? तटीय सीमा सबसे लंबी किसका है, तटीय सीमा सबसे लंबी किसका है? यहाँ देखिए, तटीय सीमा सबसे लंबी किसकी है? देखिए, ये रहा गुजरात, यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे ऐसे कहा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ प्रदेश के बगल में एक नदी बहती है ऐसे कह करके, कौन सा नदी, कृष्णा नदी। चलिए, इसके बाद उड़ीसा आता है और यहाँ पे बंगाल आता है। ठीक है, तो कहता है किसकी सबसे लंबी है, तो काठियावाड़ तट यानी गुजरात के तट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। इसका क्या होना है, गुजरात, गुजरात तट का सबसे क्या है, सबसे लंबी है, गुजरात क्या है, सबसे लंबा है। गुजरात तट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। गुजरात तट को हम क्या बोलते हैं, गुजरात तट को हम काठियावाड़ तट बोलते हैं, काठियावाड़ तट बोलते हैं, गुजरात तट को काठियावाड़ तट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, अगला नहीं है, क्या कहता है कि तमिलनाडु तट को हम क्या बोलते हैं, तमिलनाडु तट को हम जो है क्या बोलते हैं बताइए, कोकण की कोरोमंडल, कोरोमंडल। ठीक है, महाराष्ट्र तट को मालाबार, महाराष्ट्र तट को जो है कोकण तट कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा तट को क्या बोलते हैं, उड़ीसा तट को पुरी तट बोलते हैं, इसको हम पुरी तट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप देखते हैं, या इस सीरीज में मात्र 40 ही प्रश्न थे। ठीक है, जो लगभग 9th क्लास के प्रथम अध्याय का सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो हम अगले वीडियो में आएंगे किसी अन्य वीडियो अन्य टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप नमस्कार। यदि आपको ये क्लास सही लगा, पसंद आया, यदि आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमें कॉमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।